जागीर का आगाज़ किया और आज जिस पैमाने पे वो खड़े हुए हैं और भारत के सर्वश्रेष्ठ बॉलर वो बन गए हैं, और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि अगला जो आने वाला दौर है वो इट्स ऑल गोना बी अबाउट कुलदीप यादव और उनके जो दूसरे पार्टनर हैं जितेंद्र चहल, उन्होंने भी बहुत अच्छा किया है। जो जितनी भी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ ये दोनों को मिली हैं, इन्होंने अपना एक दबदबा बनाया है। और आईपीएल जैसे मैं बात कर रहा हूँ, ये इतना बड़ा एक्सपोजर है कि आप जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हो तो आपको लगता नहीं है कि आप कोई नई चीज़ कर रहे हो। हालाँकि जब हम खेलते मैच, मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था, प्रेशर शायद शौक के ऊपर भी होगा बट उतना नहीं होगा जितना पहले हुआ करता। क्योंकि देखिए आईपीएल से फ़ायदे बहुत हुए हैं कि जो बहुत से प्लेयर मिले हैं और जो एक कह सकते हो कि प्लेयर को जो चाहिए होता है बतौर प्लेयर, मैं कह सकता हूँ कि एक सिक्योरिटी आप कह सकते हो, पैसा जो आया है खेल में वो आईपीएल से आया है और जो कि बहुत ज़रूरी पार्ट है किसी भी इंसान के लिए। अगर वो कहीं काम करता है या कहीं क्रिकेट खेलता है तो ये मेरा काम भी है और ये मेरा प्यार भी। तो आईपीएल ने बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें भी की हैं। और देखिए जब कंपटीशन होता है तो फिर प्लेयरों को अपनी गेम जो है वो ऊपर बढ़ानी पड़ती है, और कहीं ना कहीं आईपीएल में जो यंग क्रिकेटर्स आ रहे हैं उन्होंने डेफिनेटली अपनी प्लेस के लिए सीनियर्स को पुश किया है, और अगर सीनियर टीम में रहना चाहते हैं तो उनको और भी अच्छा करना पड़ता है। तो आई थिंक इट्स अ हेल्दी कंपटीशन विच इज़ अ ग्रेट थिंग गोइंग फॉरवर्ड फॉर इंडियन क्रिकेट। आईपीएल ने मेरे ख्याल से इंडियन क्रिकेट की शक्ल बदल दी है टोटली। अगर जितने प्लेयर हमारे पास अच्छे हैं, बाकी वर्ल्ड क्रिकेट में शायद किसी के पास भी उतने अच्छे प्लेयर नहीं है। और बाकी ओवरऑल अगर क्रिकेट की बात करें तो भारत ने इतना ज़्यादा सीखा है आईपीएल से, प्लेयर इतना मैच्योर हो के आता है, जब वो इंटरनेशनल लेवल पर खेलने आता है तो उसको प्रेशर बहुत कम लगता है। तो वहीं आप देखिए स्तर जो है भारत का बढ़ गया है, बाकी देशों का वो जो है वो उनकी क्रिकेट टीम का कम हो गया है। उनके पास ज़्यादा प्लेयर उतने मैच विनर्स हैं नहीं जितने इंडिया के पास।